सत श्रीकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह चाहल ते तुसी जुड़े हो रेडियो जनपर देसी दे नाल। ते अज एक अहम घटना के उत्ते गल करनी है, तो गल करदे आ वी जिहड़ा उस घटना के उत्ते आपां शर्म ते लज्जत महसूस करदे आ। घटना रोपड़ शहर की है, रोपड़ शहर की पौश कलोनी जैल सिंह नगर की, जिथे एक वकील परिवार वालों अपनी बिरध माता रिटायर अध्यापका जिस तरह के तसीहे दिते गए, वो जिहड़ी वीडियो आपां सब दे मोबाइलों दे विच पहुँच चुकी है। तो उहदे विचों जिहड़े कुछ जो कुछ संदेश सामने आ रहे हैं, दूसरा एक तो यह कि पंजाब की सभ्यक धरती दे उत्ते इस तरह का वर्तारा होना, यह अपने आप दे विच शर्मसार करन वाला है। और दूसरा इत्थे जिहड़ा सब तो वध जिहड़ा धन्नवाद करना बनता है, वो मनुखता की सेवा गुरप्रीत सिंह उन्हां दा ते नाल उस परमात्मा दा जिन्हें समा रहिंदे जिहड़ा सह रहिंदे कहां मैं, समा तो शायद बहुत ज़्यादा हो गया सी, सह रहिंदे इस बिरध माता नूं जिहड़ा उन्हां दरिंदियां दी झुंगल दे विचों बचा लिया। तो हुण इत्थे सब तो वध जिहड़ी जिम्मेवारी है वह पुलिस प्रशासन ते सिविल प्रशासन की बनती है, तो दूजे पासे समाजिक सुरक्षा इस्त्री अते बाल विकास विभाग वालों इस मामले दे विच जिहड़ा नोटिस भी लै लिया गया और डिप्टी कमिश्नर रोपड़ नूं सख्त कार्रवाई करन दे निर्देश जारी कर दिते ने। तो कि ये कागजां दे विच ही रहणगे जां एक मिसाली कार्रवाई होएगी, ये हुण समां दसेगा। पर इस मामले ने जिथे भी पंजाबी दुनिया दे विच बैठे ने, दुनिया के किसी कोने च भी बैठे ने, सब दियां अखां एक बार नम जरूर कर दित्तियां ने। और इत्थों तक भी जिहड़े पुलिस अधिकारी हमेशा कठोर होंदे ने, दिल दे मजबूत होंदे ने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारियां इस तरह दियां घटनावां नूं अखीं देखणा हुंदा है। पर वह भी कितनों कित उन्हां दी अंदरली इंसानियत जिहड़ी जदों निकली ना, तो वह भी उन्हां दी अखां विनाम होण तों बिना नहीं रह सकियां। सो इस तरह की जिहड़ी इह घटना मैं कहना कि पंजाब दे विच आखरी होवे, पर इहदे लई सानू समाजिक पद्धर ते ते सानू मीडिया पद्धर ते ते सानू सोशल मीडिया दे उपर भी इहदे उत्ते खुल के चर्चा करनी पैणी आ। और दूसरा जिम्मेवारियां जिथे सरकारां दीआं ने, जिथे प्रशासन दी आ, उत्थे हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी भी बनती है। पहलां तां इस तरह का वर्तारा असीं अपने परिवारां दे विच ना होण दईए, दूसरा असीं आस पास ना होण दईए, और जिथे हुंदा उत्थे सही पहुँच अपना के चाहे प्रशासन तक जां किसी भी NGO तक इन चीज़ों को रोकना अपना फर्ज बनता। और दूजा जिहड़ा मीडिया अज के समय के जिहड़ा जागरूक मीडिया है, वो जिहड़ी अहम भूमिका इस मामले के बनती है। तो इस घटना के हुण बार कौंसल जिहड़ी है रोपड़ है, उन्हें वकील का लसेंस कैंसल कर दिता है, शुभ संकेत ने। और दूसरे पासे पुलिस ने जिहड़ी कार्रवाई है वह परिवार के तिना जिया वकील उहदी घरवाली ते उहदे बेटे के खिलाफ की है, बनती है कानूनी कार्रवाई। पर यह सिर्फ कागजां तक ना रहे, मैं जदा पहला भी कहा एक मसाली कार्रवाई होवे, ताकि जदों भी कदे उदाहरण मिलन, कदे इस तरह की कदे पहली गल तां घटना ही ना घटे, अगर कोई होवे तां इह जिहड़ी मिसाल रोपड़ की घटना एक मिसाल होवे। तो असी तो आपां सारे रल के यही दुआ करिए कि वह माँ जिन्हें तसीहे झले ने वो जल्दी सेहतयाब होवे। तो सब तो बड़ा सल्यूट उस माँ की उस बच्ची नूं है जिन्हें कैमरिया का एक्सैस अपने फोन के उपर लैके ये सारी घटना जिहड़ी है वो साडे तुहाडे प्रशासन के मीडिया के सामने लैके आती है। सो रल के आओ आप इस मामले के जिन्ना भी जिहदा साथ बनता वो साथ दईए, और इस तरह दीआं घटनावां दुबारा ना वापरन, असीं अपने पद्धर के उत्ते सारे अपनी जिम्मेवारी समझिए।